क्या आपने कभी सोचा है कि रेत पे बिजली गिरने से रेत ऐसी क्यों हो जाती है? और एक ऐसा जीव जिसने स्पेस पे जन्म लिया है, और आखिर जापान में ऐसा करने से अपने आप को टकला यानी कि बाल क्यों कटवा देते हैं? ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। फैक्ट नंबर 5, सैन फ्रांसिस्को में ये जो फायर हाइड्रेंट है उसको गोल्ड पेंट से रंग दिया था। इसका कारण ये है कि वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसमें सभी फायर हाइड्रेंट टूट गए थे सिवाय इस एक के। और इस फायर हाइड्रेंट की खास बात यह है कि इसके पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसके कारण यही फायर हाइड्रेंट की वजह से वह आग बुझ पाई थी, इसलिए इस फायर हाइड्रेंट को गोल्ड कलर से रंग दिया था। फैक्ट नंबर 4, हम सब लोग जानते हैं कि अलग देश में अलग अलग कल्चर होता है, और जापान में भी एक ऐसा कल्चर है कि जब भी आप बुरा काम करते हो या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको सामने वाले को सॉरी बोलना पड़ा हो, तब ये लोग लड़का हो या लड़की वह अपने आप को टकला बनवा लेते हैं यानी कि बाल कटवा लेते हैं, जिससे पता चलता है कि ये किसी चीज़ से माफ़ी मांगता है या फिर माफ़ी मांगने का ये संकेत होता है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में एक ऐसी भी ब्लेड मौजूद है जिसे ऑब्सिडियन ब्लेड कहा जाता है। एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक ब्लेड होता है, जो ये ब्लेड बहुत ही यूनिक होती है, जिसकी खासियत ये है कि इससे कोई भी माइक्रो चीज़ जो हम नहीं देख सकते उसको भी आराम से काटा जा सकता है, यानी कि हमारे छोटे से छोटे सेल्स को भी आधा काटा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि स्पेस में किसी ने जन्म लिया है? तो आप बोलोगे कि स्पेस में बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, पर एक रशियन कॉकरोच है जिसने स्पेस में बच्चे पैदा किए हैं। इन कॉकरोच का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है स्पेस में बच्चे पैदा करने का। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जब रेत पर बिजली गिरती है तब रेत का यानी कि बालों का क्या हाल होता है? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा हाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बिजली में बहुत ज़्यादा तापमान होता है, जिससे सैंड में मौजूद सिलिका पिघल जाती है और वो कुछ इस तरीके से यानी कि बिजली जैसा शेप ले लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नए अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।